Now we will see what is justice reasoning, obedience to authority and heteronomous morality. Obedience to authority, as we have, uh, we are continuing with our discussion with the last module. कि भाई आपने ये देखना है कि जो आपके बड़े हैं, आपके siblings हैं, आपके माँ-बाप हैं, mom, dad हैं, आपने उनका कहना मानना है क्योंकि अभी आपके लिए authority वही है। सो द अथॉरिटी अभी उसका अपना अखलाक मैार नहीं बना अभी उसके लिए अखलाकी मैार सिर्फ ये है कि बड़े उसको क्या बता रहे हैं कि यह अच्छा है तो वो उसके लिए अच्छा है अगर बड़े मना करने हैं कि यह बुरा है तो वो उसके लिए बुरा है मसला उसको टेरिस पे जाने से मना किया जाता है तो वो भी उसके लिए एक बुराई है उसको दूसरों को टॉय Uh, उनसे छीनने को मना किया जाता है तो वो भी उसके लिए बुराई है इसके अलावा उसका कोई कॉन्सेप्ट सिरे से नहीं है द चाइल्ड बिलीव इन एक्सपीट्री और आर्बिट्रेरी पनिशमेंट वो किसी भी तरह की जो सज़ा है उसको समझता है और उससे बचने की कोशिश करता है ख्वा वो आ, किसी चीज़ से वो उसको आ, कोई इनाम या कोई फ़ायदा उससे रोक ले, या ख्वा उसको कारपोरल पनिशमेंट दें यानी उसको जिसमानी सज़ा मिले या कोई खिलौना उससे रोक लिया जाए कि अच्छा फिर हम आपको खाना नहीं देंगे अगर आप ये गलत काम कर रहे हो तो या मामा आपसे प्यार नहीं करेंगी या मामा आपसे नाराज हो जाएंगी आपको मामा इस कुर्सी पर बैठने नहीं देंगी अगर आप जूते जो है वो पहने रखोगे या आप गंदे जूते पहनोगे तो आपको घर में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा ये वो सारी बातें हैं जिस उसको लगता है कि अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मुझे इसका नुकसान पहुँच सकता है तो पनिशमेंट उसके लिए इस वक्त सबसे बड़ा अखलाकी मैार है आ, इनाम से भी ज़्यादा क्योंकि इनाम में तो समाइम्स हो सकता है कि वो उसकी ख्वाहिश करे या उसको लगे कि जो मैं इस वक्त अचीव करना चाहता हूँ वो उसके मुकाबले में ये कोई बात अहमियत नहीं रखती कि माँ मुझे प्यार नहीं करती तो ना करे मुझे ये टॉय तो चाहिए लेकिन पनिशमेंट से वो ज़रूर अवॉइड करता है क्योंकि उसने उसको एक्सपीरियंस किया है या वो उसको इमेजिन कर सकता है कि पनिशमेंट उसको ज़्यादा नुकसान दे सकती है सो द चाइल्ड बिलीव इन रेट्रीब्यूटिव जस्टिस अब वो सिर्फ ये समझता है कि जो बात मेरे पेरेंट्स की तरफ से या बड़ों की तरफ से दुरुस्त है वही दुरुस्त है जो उसको सजा से बचा सकती है वो दुरुस्त है जो उसके लिए कोई रिवॉर्ड ले सक ला सकती है वो दुरुस्त है तो द चाइल्ड बिलीव दट वन शुड नॉट टेक वन रिवेंज अब वो समझता है उसको इस बात की समझ आ गई है कि मुझे खुद से थप्पड़ मार के इंतकाम नहीं लेना जाके किसी बड़े को बताना है कि देखें मेरे साथ ज्याती कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं इसको मारूंगा तो अभी माँ या बाप उठ के दोनों की पिटाई कर देंगे या कम अज कम मेरी पिटाई जरूर हो जाएगी तो दूसरे लफ्जों में आप देखें वो अपनी जान को ही बचा रहा है अपना फायदा सोच रहा है वो इगोसेंट्रिक है वो सेल्फिश है लेकिन वो सजा से बचने के लिए जो भी अच्छा काम उसको कहा जाता है वो कर रहा है अभी हम इगोसेंट्रिक व्यू पॉइंट की बात कर रहे थे पीपल एट द स्टेज ऑफ वन फाइंड डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्यू बिटवीन एंड अदर्स अब देखें अगर मैं अपनी ज़ात के अंदर गुम हूँ तो मुझे इस बात का अंदाजा ही नहीं कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं अच्छाई क्या है बुराई क्या है मुझे इसकी कतन परवाह नहीं इस वक्त मेरे अपने मफादात मेरे लिए ज्यादा अहम हैं तो छोटे बच्चे ईगो सेंट्रिक होते हैं क्यों वो किसी बात को नहीं समझते दे, देखो बेटा इसकी मदद करना अच्छा है ये टॉय उसको दे दो फलां के साथ मिलके खेल लो अः ये कर लो वो कर लो लेकिन बच्चे नहीं मान रहे होते क्योंकि उनकी अपनी ज़ात ज़्यादा अहम होती है उनके लिए तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि वो अपनी ज़ात की कुर्बानी देकर या अपनी इंटरेस्ट की कुर्बानी दे के दूसरों का भला करें देन तेनज़ रिजिड सोशल नॉर्म एंड अनचेंजेबल रूल अब ये भी उनको पता चल गया है कि हमारे इर्द गिर्द जो रूल्स हैं जो उन्होंने शुरू से देखा है कि जिन बातों पे उनको सज़ा मिलती है जिन बातों पे उनको पसंद किया जाता है इनाम दिया जाता है तो उनके लिए वही रूल्स हैं मतलब अगर वो वक्त पे सो जाएँ वक्त पे उठे वो तंग ना करे खाना अच्छे तरीके से खा ले जिस वक्त उनसे जो कहा जाए वो कर ले तो उनको लगता है ये रूल्स हैं कभी वो उन रूल्स को मानते हैं कभी नहीं मानते लेकिन उनका नॉर्म स्ट्रक्चर बन चुका है उसी को वो रूल समझते हैं और अगर वो उसको तोड़ेंगे तो कब तोड़ेंगे जब उनको लगेगा मेरी अपनी ज़ात को कोई नुकसान पहुंच रहा है या मुझे ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है सो पीपल एट दिस स्टेज रिगार्ड रूल्स सोशल नॉर्म ट्रेडिशनल वैल्यूज़ And common practices as rigid and unchangeable guidelines for their behaviors. उनके लिए ये पक्की बात है कि जो उनको बताया गया है वो ही दुरुस्त है और जो उनको जिससे मना किया गया है वो गलत है यही उनका मैार है हाँ उसको भी वो वायोलेट कर सकते हैं और करते हैं जब उनको लगे कि उनकी पर्सनल कोई उनके जो मफादात हैं उनको नुकसान पहुँच रहा है